हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या है एनसीडीसी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एनसीडीसी आज का हमारा टॉपिक है। इसके परिचय को हम लोग पहले जान लेते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है। ये संचारी रोगों की निगरानी और नियंत्रण के लिए कार्य करने वाली एक नोडल एजेंसी है। इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICD था। अब इसके और भी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में वर्ष 1909 में हुई थी। इसकी स्थापना स्थान कसौली हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2009 में पहली उभर चुकी और फिर से उभर रही बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए NCDC में तब्दील किया गया। इसका प्रशासनिक ढांचे के बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत करना, सेंट्रल हेल्थ सर्विस के पब्लिक हेल्थ सब कैडर का अधिकारी इसका निदेशक होने के साथ साथ प्रशासनिक एवं तकनीक प्रमुख भी होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। NCDC की 8 शाखाएं हैं। इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। पहला जो अलवर राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक, कोझिकोड केरल, कुन्नूर तमिलनाडु, जगदलपुर छत्तीसगढ़, पटना बिहार, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये सब NCDC की 8 शाखाएं थी जिनका मैंने नाम बताया। इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला विज्ञान एंटामोलॉजिकल सेवाओं के लिए विशेष कार्यबल, प्रशिक्षण और विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों में कार्य करना, देश भर में बीमारी के प्रकोप की जांच करना, संचारी रोगों के साथ साथ गैर संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं में एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देना इनका कार्य है। और भी कार्य है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को रेफरल डायग्नोस्टिक सपोर्ट क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता भी प्रदान करना इनका कार्य है। व्यक्तियों, समुदायों, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधानों, संसाधनों एवं राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों को परामर्श नैदानिक सेवाएं भी प्रदान करना इनका कार्य है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाके आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें।